हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सुना सेव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सृष्टि और रश्मि के बीच बात नहीं होती। सृष्टि डिसाइड करती है कि वो उसे कॉल नहीं करेगी। कुछ हफ्ते ऐसे गुजर जाते हैं, सृष्टि और रश्मि में ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, एक दो मिनट की बातें होती हैं। सृष्टि रश्मि को पूरी तरह से इग्नोर कर रही होती है। रश्मि सृष्टि से बात करने की कोशिश करती है बट रश्मि उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। कहती है कि नहीं सॉरी, ये नहीं हो सकता, तुम्हें अब पूरी तरह भाई के साथ अपने रिश्ते को निभाना चाहिए, नहीं तो ये रिश्ता कभी सही से नहीं चलेगा। ये कह के सृष्टि कॉल कट कर देती है। रश्मि की जो बची कुची उम्मीद होती है वो भी अब पूरी तरह जल चुकी होती है। अब उसे भी गुस्सा आने लगता है। वो भी सोचती है कि ठीक है, जब उसे ही नहीं पड़ी मेरी, तो मैं ही क्यों उसके बारे में इतना सोचूं, मुझे भी उसके बारे में अब कुछ नहीं सोचना। ये सोच के वो भी डिसाइड करती है कि आज के बाद वो भी सृष्टि को कभी कॉल नहीं करेगी। इधर सृष्टि जो है अंदर ही अंदर बहुत तड़प रही होती है, उसे बहुत बेचैनी होती है, लेकिन वो अपने आप को अपने काम में पूरी तरह व्यस्त कर देती है। अपने क्लिनिक से भी वो लेट लेट वापस आती थी, सुबह जल्दी चली जाती थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, बहुत खामोश रहती थी। उससे ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं होता था, अपने अपने में रहना, ना ज़्यादा किसी से बात करना, ना ज़्यादा किसी से मतलब रखना, बस वो ऐसे ही रहने लगी थी। इधर जय और रश्मि के बीच इंटीमेट का जो पार्ट होता है, इंटीमेशन, फिजिकल इंटीमेसी का, वो शुरू हो चुका होता है। जय जब रश्मि का मूड नहीं होता है तो जय थोड़ी सी ज़बरदस्ती करने लगता है। रश्मि को ना चाहते हुए भी जय की बातें माननी पड़ती हैं। हालांकि जय ने अभी तक अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया होता है रश्मि के सामने। रश्मि को भी अब जय से ज़्यादा कोई शिकायतें नहीं थी। जय उसका ख्याल भी रखता था, सिर्फ बेड पे बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता था, जो रश्मि के बर्दाश्त के बाहर होता था, लेकिन फिर भी उसे बर्दाश्त तो करना ही पड़ता था। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। धीरे धीरे इन वाक्यों को 2 से 3 महीने गुजर चुके थे और ऐसे ही चलते चलते 6 महीने गुजर गए थे। रश्मि सृष्टि को भूली नहीं थी, वो उसकी वजह से अपसेट रहने लगे थे, उससे बात ना करने की वजह से। कभी कभी सृष्टि जब घर पे आती थी बच्चों से और भाई से मिलने, तो रश्मि तो उसे जी भर के देख लिया करती थी। सृष्टि भी चोरी चोरी आँखों से उसे देखा करती थी, लेकिन खुल के कोई बात नहीं कर पाता था। बस वही मोमेंट होता था जब दोनों एक चोरी से और एक दूसरा जी भर के सामने वाले को देखा करता था। ये बात जय नोट करता था लेकिन वो कुछ कहता नहीं था। जय का रूटीन वही था, सुबह उठना, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना, फिर ऑफिस जाना। और रश्मि का रूटीन वही था, अपने घर का काम करना और फिर पढ़ाई पे फोकस करना। कुछ टाइम में उसके एग्ज़ाम आने वाले थे तो उसने कुछ बुक्स भी नया से कह के मंगवा ली थी और उन से स्टडी करने लगी थी, लेकिन वो सारी स्टडी जय के चोरी से करती थी जब घर में जय नहीं होता था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। 6 महीने और बीत चुके थे, मतलब 3 महीने पहले और 3 महीने बाद में, मतलब टोटल 6 महीने बीत चुके थे। रश्मि के लास्ट में एग्ज़ाम आने वाले थे। इधर जय भी खुश था रश्मि के बिहेवियर से, क्योंकि जय को रश्मि अब मना नहीं करती थी किसी भी चीज़ के लिए। वो अपनी जिम्मेदारी बस निभा रही थी, उसके अंदर कोई खुशी नहीं थी, कोई जज्बात नहीं थे, बस अपने बच्चों की देखभाल करना, अपनी पढ़ाई करना, घर का काम करना और जय की खुशी का ध्यान रखना। आखिर सृष्टि चाहती भी तो यही थी, तो जो उसका प्यार उससे चाहता था रश्मि वही कर रही थी। इधर सृष्टि जो है डेली बच्चों से मिलने बच्चों के स्कूल में जाया करती थी।
रेसेस में, इंटरवल के टाइम वो जाती थी, बच्चों से मिलती थी, उन्हें चॉकलेट्स गिफ्ट्स देती थी और रश्मि के बारे में उन्हें से पूछ लिया करती थी। और दोनों बच्चों को पट्टी बढ़ाई हुई थी कि अपनी मम्मी को इस बारे में तुम दोनों कुछ नहीं बताओगे, अगर तुम दोनों बताओगे तो तुम, राहुल से एक्चुअली कहते थे कि तुम गेम हार जाओगे। शिवम तो समझदार था तो उसे ज़्यादा बहलाने फुसलाने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और फिर वक्त के साथ साथ वो भी और बड़ा ही हो रहा था तो और समझदार हो रहा था। राहुल में थोड़ा चुलबुलापन था, लेकिन जैसा पहले भी बताया था, शिवम अपनी उम्र से जल्दी मैच्योर होने लगा था अपने घर की स्थिति को देखते हुए। हालांकि अभी कुछ टाइम से उसके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, जिससे बच्चे भी काफ़ी खुश थे, लेकिन रश्मि की खामोशी और उसकी मुस्कराहट के पीछे छुपी हुई उदासी को शिवम पढ़ लेता था। लेकिन बच्चा था इसलिए उसे ज़्यादा कहना नहीं आता था कुछ भी, यही होता था। घर का जो बड़ा बच्चा होता है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो अपने माँ बाप के दिल की बात बहुत अच्छे से समझ लेता है। शिवम के साथ भी ऐसा ही था। सृष्टि डेली रूटीन पे रेसेस में, लंच ब्रेक में जाके बच्चों से मिलते थे और उनके साथ थोड़ा वक्त बिता के वापस लौट आया करती थी। और ये बात रश्मि को बिल्कुल नहीं पता थी। कभी कभी चोरी से छुट्टी के टाइम भी वो रश्मि को देखने के लिए पहुंच जाया करती थी। सृष्टि अपना प्यार दूर से निभा रही थी और रश्मि अपना प्यार सृष्टि के कही हुई बातों को पूरा करके निभा रही थी। सृष्टि जो चाहती थी उसे करके निभा रही थी। दोनों ही अपने अपने तरीके से अपना अपना प्यार पूरा कर रहे थे। लेकिन कहते हैं खुशियाँ ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं होती हैं। कुछ टाइम और बीता, एक महीना, और रश्मि के एग्ज़ाम को भी एक महीना रह गया था। रश्मि दोपहर में बैठ के अपनी पढ़ाई कर रही थी और तभी उसके घर की डोरबेल बजती है, तो रश्मि फटाफट अपनी बुक्स छुपाती है और सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। शाम का टाइम होता है, बच्चे टीवी देख रहे होते हैं, तो वो जाती है, डोर खोलती है तो देखती है कि एक आंटी होती हैं पड़ोस की और कुछ सामान लेने आते हैं, तो वो उसे सामान देती है और फिर चली जाती है। यही वक्त गुजर रहा था इसी तरीके से। उस दिन फिर से आधे एक घंटे के बीच में कई बार कई लोग आए। फिर रश्मि ने अपनी बुक वहीं पे रखी, टाइम देखा तो उसने सोचा जैको तो अभी आने में टाइम है, ऐसा करती हूँ खाना बना लेती हूँ उसके बाद बुक्स उठा के रख दूँगी। वो जाती है किचन में, खाना वाना बनाती है, बच्चों को खिलाती है, उन्हें फिर होमवर्क वगैरह कराती है और फिर उन्हें रूम में ले जाके सुलाने लगती है। इन सब कामों के बीच में वो ये भूल जाती है कि उसकी बुक्स वहीं टेबल पे वैसे ही पड़ी हुई हैं। और जय जो है वो ऑफिस से उस दिन थोड़ा जल्दी निकलता है। रास्ते से कुछ गिफ्ट्स, कुछ बुकेज और चॉकलेट्स वगैरह रश्मि के लिए और बच्चों के लिए लेता है और घर जल्दी आता है। वो चुपचाप आके डोर खोलता है, उसके पास एक स्पेयर की होती है, उसी से उस डोर को ओपन करता है और उसके बाद चुपचाप घर में एंटर होता है। घर में एंटर होकर डाइनिंग टेबल की चेयर पे वो अपने बैग को रखता है, देखता है कि वहाँ कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं। पहले उसे लगता है कि शायद बच्चों की बुक्स हैं, लेकिन इतनी मोटी बुक्स बच्चों की, ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं भाई टीचर्स, ये पता करने के लिए वो बुक्स उठाता है। और सामने लैपटॉप भी होता है तो बुक्स उठा के जैसे देखता है तो वो कॉलेजेस की बुक होती हैं। वो लैपटॉप खुला हुआ होता है तो उसे ओपन करता है, वहाँ देखता है कि कोर्स भी है, यूनिवर्सिटी का नाम भी है, तो वो अपने लेवल पे कुछ चेकिंग करता है जिसमें उसे ये पता चलता है कि ये रश्मि पढ़ाई कर रही है। इस बात का उसे बहुत गुस्सा आता है।
रहता है, चुपचाप वहीं बैठ जाता है डाइनिंग टेबल पे। रश्मि थोड़ी देर में टाइम उसकी नज़र पड़ती है टाइम पे तो एकदम से बच्चों को सुला चुकी होती है, तो एकदम से उठती है और कहती है शिट जे आने वाले होंगे और मेरी बुक्स वहीं रखी हुई हैं, उन्हें हटा देती हूँ नहीं तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। ये सोच के वो फटाफट दौड़ती है, जाती है हॉल की तरफ और जैसे ही वो डाइनिंग टेबल के पास पहुंचती है उसके पैर वहीं ठिटक के रुक जाते हैं। वो जय को देख के कांपने लगती है। जय उसकी तरफ देखता है और कहता है हाय रश्मि, क्या हाल है आपके, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, हाँ बताओ ना। रश्मि कहती है जय वो एक्चुअली वो क्या वो बच्चों की है क्या, एक्चुअली शायद मैं अनपढ़ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये बच्चों की है या किसी अडल्ट की बुक है, बता दो मुझे तो। रश्मि जीप जाती है, वो कहती है जय वो एक्चुअली मैं आपको बताने कब बताने वाली थी तुम, कब एग्ज़ाम देने के बाद। रश्मि कहती है वो एक्चुअली ना जय मेरी बात सुनिए। जय कहता है इधर आओ रश्मि इधर आओ। रश्मि नहीं जा रही होती तो कहता रश्मि इधर आओ, कह रहा हूँ ना। रश्मि घबरा जाती है, वो आगे बढ़ती है तो जय उसका हाथ पकड़ता और कहता है मैंने तुमको मना किया था ना कि ये पढ़ाई वढ़ाई मत करो, तुम्हारा काम नहीं है पढ़ने का, तुम्हारा काम अब बच्चों को संभालने का है, बच्चों को पढ़ाने का है। और बच्चों को पढ़ाने जितना तो पढ़ी हो ना तुम, जब नहीं पढ़ा पाओगे तो बच्चों के ट्यूशंस लगवाएंगे यार, लेकिन तुमने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। तुम्हारे साथ मैं थोड़ा ठीक क्या हुआ, तुमने तो क्या बात है, मतलब वो लाइन नहीं कही गई है कि हमने सराफत का चोला क्या पहना, दुनिया गुंडागर्दी पे उतर गई, तुमने भी तुम्हारे भी वही हाल हो गए हैं, मैंने तुम्हारे साथ थोड़ी सी शराफत क्या दिखाई, तुम्हारे पर लग गए। रश्मि कहती है जय मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ। जैसे रश्मि इतना बोलती है जय रश्मि के बालों को पकड़ के खींचता और कहता है किससे पूछ के पढ़ना चाहती थी तुम, तुम्हें अपने बच्चे और ये घर प्यारा नहीं है क्या, मैं तुम्हारे लिए इनफ नहीं हूँ क्या, क्या करना चाहती हो बढ़ के, तुम्हारी सूरत पे तो वैसे ही लाखों लोग दीवाने हैं, अब सूरत के साथ अगर दिमाग और एजुकेशन भी जुड़ जाएगा तब क्या होगा, हाँ तुम्हें सब कुछ दे रहा था ना मैं, तुम्हारे लिए खुद को बदल भी रहा था, तुम्हें इतने में चैन नहीं पड़ा। मैंने तुम्हें मना किया था रश्मि, तुम्हें कोई पढ़ाई वढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो तुमने कैसे पढ़ा, फॉर्म कैसे डाल दिया और अब तुम तैयारी भी करने लगे हो, वाह सुनो मेरी इजाज़त ली थी तुमने। तो रश्मि बस इतना ही कहती है मैं आपकी इजाज़त किस लिए लूँ, मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है, मैं अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ क्या। जय उसके बालों को और बुरी तरह खींचता और कहता है तुम्हारी इजाज़त और तुम क्या कर सकती हो ना ये मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ये कह के उसका बाल पकड़ के खींचते हुए उसे रूम में ले जाता है और बेड पे धक्का देता है, रूम को बंद करता है और उसे पीटना चालू करता है, कभी हाथ से तो कभी बेल्ट से, और उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होता है। रश्मि चीख भी नहीं पा रही होती क्योंकि उसने उसका मुंह बांध दिया होता है पूरी तरीके से, उसे पीटता रहता है और कहता है बोलो रश्मि तुम्हें स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है तुम्हें। रश्मि का मुंह बंधा होता है, वो कुछ नहीं कर पा रही होती तो उसका मुंह खोलता है और कहता है बोलो पढ़ाई करनी है तुम्हें। रश्मि कहती है मैं नहीं नहीं करनी मुझे पढ़ाई, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे पेन हो रहा है। रश्मि को बहुत दर्द हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, जब वो पढ़ाई करने से मना करती है तब जाके कहीं जय रुकता है, उसे वैसे ही छोड़ता है, अपने बेल्ट को लगाता है और कमरे से बाहर आता है।
फर्श में बेड पे पड़े पड़े बहुत देर तक ऐसे रोती रहती है। और अब यह सिलसिला रोज़ का स्टार्ट हो चुका था, सराफत का चोला उतर चुका था, मेल ईगो पे क्वेश्चन आ चुका था कि रश्मि ने कैसे उससे बिना पूछे कोई कदम उठा लिया। ये बात उसके मेल ईगो को हर्ट कर चुकी थी। जय उस समय तो घर से बाहर चला जाता है और डेली का फिर यही रूटीन स्टार्ट हो जाता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करना, उसे मारना, पीटना, दर्द देना, यही सब। और एक दिन जय शराब के नशे में घर में आता है। बच्चों को रश्मि सुला चुकी होती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, करीबन 2 महीने के बाद की बात होती है, जैसे दरवाज़ा खोलती है वो लड़खड़ा के रश्मि के ऊपर गिरता है। रश्मि उसे बस इतना ही कहती है कि छी आप शराब पी के आए हो, आपको पता है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। बस इतना ही, इतनी सी बात पे वो आँख भूला हो जाता है और रश्मि का हाथ पकड़ के उसे रूम की तरफ खींचते हुए लेके जाता है। डोर को बस ऐसे ही मतलब क्लोज करता है, कुंडी नहीं लगाता, दरवाज़ा खुला रह जाता है और रश्मि के साथ हर बदतमीज़ी करता है। उसे जितना ह्यूमिलिएट कर सकता था, जितना दर्द दे सकता था, जितनी तकलीफ़ दे सकता था, वो सब कुछ वो करता है। रश्मि के आंसू और चीखें बंद होने का नाम नहीं ले रही होती। इस बीच शिवम की आँख खुलती है, वो कोई सपना देख रहा होता है, वो डर जाता है और उसकी आँख खुल जाती है। वो अपने मम्मी को ढूंढता हुआ मतलब मम्मी के रूम में जाने के लिए उठता है। ऐसा बच्चे कई बार कर लेते हैं, अगर किसी चीज़ से डरते हैं तो वो अपने मम्मी पापा के पास चले जाते हैं, ये बहुत नॉर्मल बात है। तो वो भी उठता है और सीधे अपनी मम्मी के रूम की तरफ जाता है। जैसे ही वो गेट को हाथ लगाता है, गेट खुल जाता है और अंदर का मंज़र सब शिवम की आंखों के सामने था। उसकी मम्मा के साथ क्या हो रहा था वो सब कुछ देख चुका होता है। वो डर गया होता है अपने पापा की हरकतें देख के। वो बहुत सहम जाता है, वो वहीं चुपचाप बैठ जाता है डरा सहमा सा। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही होती। और इधर जय जब अपनी हरकतों से ऊब जाता है तब वो रश्मि को छोड़ता है। रश्मि अपने आप को संभालती है, कपड़ा पहनती है और जय नशे की भी हालत में होता है और इतनी हरकतें करके इतना थक चुका होता है कि वो सो जाता है। रश्मि चुपचाप ऐसे लेटी रहती है, कमरे की लाइट चल रही होती है तो वो ऐसे ही घूमती है पानी उठाने के लिए, तो उसकी नज़र गेट की तरफ पड़ती है। गेट खुला हुआ होता है, उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो उठ के जाए, तो ऐसे ही लेट जाती है। पानी का जग उठाती है तो पानी खाली होता है, मतलब जग खाली होता है। सोचती है लो इसमें पानी ले आती हूँ, ये सोच के वो उठती है, पानी लेने जाती है तो बाहर देखती है कि शिवम बैठा हुआ होता है और रो रहा होता है। उसे देख के रश्मि बहुत डर जाती है कि ये यहाँ कैसे बैठा है। वो तुरंत खुद को संभालती है, अपने सारे घाव को छुपाती है और शिवम को कहती है कि क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, रो क्यों रहे हो। शिवम डरने लगता है और कहता है वो पापा पापा आपके साथ तो ये कह के बस रो पड़ता है। शिवम कहते उसे इस तरह देख के और ये जान के कि उसके बेटे ने आज उसे किस हालत में देखा है, वो शर्मिंदा हो जाती है। वो उसे बस सीने से लगाती है और उसे उसके रूम में लेके जाती है। कहती है कुछ नहीं बेटा, वो हमें गेम के मम्मी झूठ झूठ मत बोलो, आखिर बड़ा लड़का था वो, उसका कितना झूठ बोलती।
नहीं ज़्यादा समझती, फिर भी समझदार तो था ही। और जैसा पहले भी बताया था कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार था। वो उनसे क्वेश्चन पूछने लगता है लेकिन रश्मि उसे ज़्यादा कुछ कहती नहीं है, उसे बस बातों में बहला देती है। लेकिन उसके दिमाग पे वो रात एक छाप छोड़ देती है। वो अपने पापा से नफरत करने लगता है उसी रात से। रश्मि उस समय उसे सुला के और उसी के पास सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है, उसे समझाती है कि बेटा इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। शिवम उसे कहता है कि जी अम्मा, और उसके पापा जैसे ही उसके पास आते हैं वो पीछे हट जाता है। उसके पापा उस समय उसकी हरकत पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, वो उसे लेके स्कूल चले जाते हैं। एज़ यूजुअल डेली की तरह सृष्टि शिवम से मिलने आती है और आज शिवम का बिहेवियर अलग होता है। तो सृष्टि उससे बार बार पूछती है कि बेटा क्या हो गया, तुम इतने चुप क्यों हो, तुम्हारी आंखें भी सूजी हुई हैं, सोई नहीं हो गया रात में। रात का नाम लेते ही शिवम फिर से डरने लगता है, वो फिर से हकलाने लगता है। तो सृष्टि उसे गले से लगाती है और कहती है आराम से बताओ क्या बात है। एक तो ऐसे ही साइकेट्रिस्ट, तो उसकी हालत से पता चल जाता है उसे कि कुछ बात है। वो उसे कॉन्फिडेंस में लेती है और उससे पूछती है। तो शिवम अपनी बुआ के काफ़ी क्लोज होता है, वो उसे सारी बातें बता देता है, जिसे सुन के सृष्टि के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी होती है। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे होते हैं। वो मन ही मन सोचने लगती है इतने टाइम से रश्मि इतना सब कुछ झेल रही है और उसने मुझे बताया तक नहीं। इतनी पराई कब हो गई मैं कि उसने मुझसे कुछ बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। शिवम रोत के कहता है आप किसी को बताना मत, मम्मी ने मुझे मना किया था बताने के लिए बुआ। तो कहती है तुम डरो मत, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी और आज मैं आऊँगी आपके घर, ठीक है, मैं शाम को आऊँगी। अपनी मम्मी को मत कहना कि आपने मुझे ये सब बताया है, तो आपका प्रॉमिस भी रह जाएगा, बात भी नहीं टूटेगी, ठीक है शिव। ठीक है बुआ, बुआ मुझे पापा के साथ नहीं रहना, बेटा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, तुम्हारे पापा मम्मी को हाथ भी नहीं लगा पाएंगे, आई प्रॉमिस यू। पक्का बुआ, पक्का बेटा, आप बस ये बातें आप किसी से मत कहिएगा, ओके। वो कहता जी बुआ। सृष्टि उसे समझा के किसी तरीके से, उसे फीवर भी होता है तो उसे छुट्टी करवा के और उसे अपने घर ले आती है। वहाँ से रश्मि को कॉल कर देती है कि रश्मि आज मैं बच्चों को अपने साथ लेके आई हूँ। तो कहती है क्यों, रश्मि को गुस्सा आ जाता है, वो थोड़ा डर भी जाती है कि शिवम कहीं उसे कुछ भूल ना दे, तो वो उस पर चिल्लाने लगती है। तो सृष्टि कहती है मैं शाम को छोड़ जाऊंगी, आखिर मेरे भतीजे हैं, इतना हक तो है ना मेरा इनके ऊपर। तो उसकी वो अपने बातों में कुछ इस तरह शो करती है कि रश्मि को लगता है कि शिवम ने उसे कुछ नहीं बताया। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।